हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूँ। गूगल शीट में खास क्या है आज आपके लिए आपको बताता हूँ। देखिए, गूगल शीट का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आप इसको कहीं पर भी बड़े आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। आप अपने ईमेल आईडी से लॉग इन हो जाइए और 15 GB का ये स्टोरेज देता है। लेकिन आज की खास बात क्या है, आज के इस क्लास में खास बात क्या है कि हम लोग एक फंक्शन के बारे में जानेंगे और उस फंक्शन का नाम है ऑफसेट। क्या नाम है? ऑफसेट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक घेरा सा बना रखा है रेड कलर में, देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी बड़े डेटा में से इतना डेटा चाहिए, या हो सकता है कि कोई कम भी डेटा चाहिए हो आपको, तो जो भी डेटा चाहिए हो, जैसे मान लीजिए मुझे तो यही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये डेटा हमें चाहिए तो हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि आप इसको उठाइए, यहाँ से कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत ही नहीं। लेकिन दिक्कत तो तब होगी जब आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाएंगे और वहां पर आप बराबर इसको कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते, ये दिक्कत आपको होगी। तो आप वहां पर ऑफसेट यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, क्या क्या होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले ऑफसेट फंक्शन है तो यहाँ पे इज इक्वल टू ऑफसेट लिख लेते हैं, OFFSET। तो ये आ गया ऑफसेट। अब हम सिर्फ पहले ही कॉलम की बात कर रहे हैं और इसके नीचे की चार जो वैल्यूज हैं वही हमें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख करके और यहाँ पर आते हैं और अब ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, देन प्रेस करते हैं एंटर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये 22, 73, 33 और 90 तक आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़रा सिंटैक्स गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने 4 दिया है तो देखिए कितने नंबर आए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ही तो आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 5 कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो यहाँ पर 5 नंबर आ जाएंगे। तो देखिए ये 5 नंबर आ गए। अब देखिए कमाल, यहाँ पर F2 फिर कर रहा हूँ, ठीक है। एक कॉलम की बात कर रहे थे हम और यहाँ पे 5 लिखा था हमने, तो यहाँ पर अगर मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे 2 करने पे क्या एरर आ जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर जैसे ही 2 करता हूँ तो 2 करने पे यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई, यानी दूसरे कॉलम की बात हो रही है। ये देखिए ये दूसरा कॉलम है और ये वैल्यू आ रही है, देख रहे हैं। अब अगर फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आते हैं वापस। अब यहाँ पर अगर मैं फिर चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत यहाँ से करी है, यहाँ पे दूसरा कॉलम है और यहाँ पे 2 ही हमने दिया हुआ है, तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये सारी वैल्यूज हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो तीसरे कॉलम वाली वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे देखिए ये अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो तीसरे कॉलम वाली वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा, ये शुरुआत तो यहीं से हुई है, तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरे वाले में 80, 53, 5, 21 और 58 आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। मैं इसमें और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर डेटा चेंज है और ये आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर में ये जो लाइनिंग है ये हाईलाइट भी है। अब इसमें हमें एक इस तरह का सेट, जैसे मान लीजिए इतना हमने ले लिया या फिर इतना हमने, केवल हमें इतना चाहिए, ऐसे बीच से कहीं भी हम एक सेट ऑफ डेटा यानी पर्टिकुलर एरिया डेटा का हम चाहते हैं कि इतना ही डेटा चाहिए, तो ये कैसे आएगा ऑफसेट की मदद से उसको देख। यहाँ पर मान लीजिए कि हम जो है दूसरे वाले रो से डेटा चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने और यहाँ पे कर देते हैं कॉलम 1, यानी एक कॉलम की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे 6 हमें कुल मिला के चाहिए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, ठीक है। और इसको बंद करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो है कुल मिला के देखिए किस तरीके से डेटा इंसर्ट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा जो आया हुआ है, यानी 72 से ये आना शुरू हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 72 से लेकर, ठीक है, और ये 51 तक आया हुआ है। और कुल मिला के कितनी जो है हमारे पास रोज हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने 6 ही तो दिया था। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में इंसर्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे 6 ही तो दिया था हमने, तो 6 हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ऑफसेट का यूज कर सकते हैं और आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऑफसेट कैसे यूज करना है, ठीक है। डिटेल में और भी वीडियोज इस पे आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।